एक्सआरपी का पंप इसलिए हो रहा है कि इसका जो जज साहब का फैसला है अमेरिका में वो आने वाला है। अब ये नहीं पता चल रहा कि वो फैसला जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जीतेगी और एक्सआरपी बर्बाद हो जाएगा, रिपल कंपनी गई, या रिपल जीतेगी। अच्छा, ये जो पंप है ये दिखा रहा है कि शायद किसी को ये पता चल गया है कि अभी फैसला हक में आना है, तो इसलिए वो एक्सआरपी खरीद रहे हैं बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जानबूझ के पंप किए जा रहे हैं ताकि जैसे ही फैसला आए तो लोग यहां से लॉन्ग लॉन्ग खोल रहे हो और यहां से गिर रहे हो। एक्सआरपी में कूदना खतरे से खाली नहीं होगा, और जैसे मैं अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाऊं तो 0.5356 से एक शॉर्ट बड़ी जबरदस्त बनती है इसकी, ठीक है। लेकिन आपको फिर यहां नजर रखनी है कि ये फैसला क्या आता है, और ये जो भी ट्रेड्स दिए जा रहे होते हैं ये लंबे चलेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट है जज का फैसला क्या आता है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है एक्सआरपी में अभी बाइंग अगर कर भी ली तो थोड़ा प्रॉफिट, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है कि इसमें कूदा जाए।